आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकपुर पर। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर, क्या हमें LIC HFL का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। चलिए मैं आपकी क्वेरी को यहाँ पे एंड करता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। LIC HFL का सिलेबस क्या है? रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, इंग्लिश आएगा, GA जनरल अवेयरनेस आएगा, जिसमें स्पेशल एम्फेसिस होगा हाउस फाइनेंस इंडस्ट्री के ऊपर, राइट? यानी आपका लगभग सेम बिल्कुल वैसा ही वैसा पेपर है जैसा कि आपका RRBPO का होने वाला है, IPS क्लैरिकल का होने वाला है, IPS PO का होने वाला है, या जिन बच्चों ने 7 अगस्त को RRB क्लैरिकल का पेपर दिया है, सेम सब्जेक्ट है, सेम सब कुछ है। बस यहाँ पे GA के अंदर आपको स्पेशल एक एम्फेसिस दिया हुआ है कि हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री का जो GA है उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया जाएगा। यानी आपको वहां पे केवल आपकी रीडिंग करनी है, उसे पढ़ना है, याद करना है, और पिछले 3-4 महीने का या उस इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें होती है वो करना है। टाइम है आपके पास मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए, तो आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना। द सेम पैटर्न जो आपका RRBPO IPS क्लैरिकल फॉलो कर रहा है वही सेम पैटर्न होगा। इसका मतलब है आप थोड़ी सी मेहनत करने के साथ साथ आप आराम से उस हाउस फाइनेंस इंडस्ट्री का जितना भी सिलेबस होता उसे कवर कर सकते हो, राइट? अब सेकंड थिंग, देखिए सर, उसका एप्लीकेशन फी भी बहुत ज्यादा है, 800 रुपीज है, बिल्कुल बनता है। अब देखिए, आपको पता है कि करीब 80,000 रुपए की सैलरी मिलेगी आपको असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर। असिस्टेंट की अगर आप पोस्ट भरते हैं 50 पोस्ट के लिए तो आपके पास 35,000 की सैलरी मिलती है। इस अप्रोक्सीमेटली क्लैरिकल लेवल की जॉब है, तो आपको ये ध्यान है कि इतना फी आपको पे करना पड़ेगा। आपका जो है केवल 2 फेज में सब कुछ है, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, सेकेंड इंटरव्यू होगा। यानी आप अगर अपना पूरा दिल दिमाग टारगेट सब कुछ लगा लेते हैं और उस एग्जाम को निकाल लेते हैं तो सेकेंड फेज में केवल आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू के अंदर आपको तैयारी करनी है और देन यू विल गेट द जॉब, राइट? अभी दूसरा बैंक में क्या करना है, प्री देना है, मेंस देना है और देन आपका इंटरव्यू अगर आप PO की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा और मैं जो सजेस्ट करना चाहूंगा वो ये है कि जब आपका अप्रोक्सीमेटली 80-90% लगभग सिलेबस सेम है तो आपको वो एग्जाम भरना चाहिए और उस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। बस आपका GA का सेक्शन थोड़ा अलग होगा, हाउस फाइनेंस पे होगा, तो आपको थोड़ा वो पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर आपकी मेहनत होगी। बाकी सब कुछ आपका इक्वल चल रहा है बैंक एग्जाम के अंदर भी और इस हाउस फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर भी, है ना? तो मेरी तरफ से बस यही कहूंगा कि आप बिल्कुल ये करिए। दूसरा देखो, बैंक में भी काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, PO में आप देखो 7,000 वैकेंसीज के आप अप्रोक्सीमेटली अब तक आ चुकी है और बाकी आना बाकी है जो कि 4 बैंक अभी रिपोर्ट नहीं करें। तो आपके पास दोनों तरफ मौका है, आपके हाथ में दोनों तरफ लड्डू है, आप बस मेहनत करिए, इक्वल मेहनत करनी है और इक्वल मेहनत करके यू विल गेट द सिलेक्शन, है ना? अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई सवाल है, कुछ भी पूछना है तो प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई करता हूं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।